हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें बेसिकली दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी। तो हम बात करते हैं सीरीज। सीरीज में आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाला जाता है वो सीधे एडिशन करके निकाल दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो आप देखोगे कि ये रेजिस्टर, देखिए ये वाला रेजिस्टर्स एक एंड से दूसरे एंड के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टर्स है और इसी से कनेक्टेड दूसरा रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, और इसी तरीके से ये तीसरा भी मौजूद है इस एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये सीरीज में होता है, और सीरीज में हम रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से निकालते हैं, R1 R2 R3 एडिशन कर देते हैं सिंपल। तो सीरीज में होता क्या है? सीरीज में बेसिकली करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है हर एक कॉम्पोनेंट के लिए, और सारे कॉम्पोनेंट जो होते हैं सीरीज में उनका सिंगल स्विच होता है। देखिए ये तीनों के तीनों सीरीज में, और इनको इस सिंगल स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। जाहिर सी बात है, जब हम एडिशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर हम पैरेलल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इसमें। ठीक है, वोल्टेज जिसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं, और करंट की वैल्यू जो होती है अलग अलग कंपोनेंट के लिए वो अलग होती है। ठीक है, और सारे कंपोनेंट जो होते हैं उनके सेपरेट स्विचेस होते हैं। ठीक है, मतलब R1 को हम सेपरेट स्विच दे सकते हैं, R1 R2 R3। ठीक है, और इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसकी जो वैल्यू आती है वो मिनिमम होती है। निकालते कैसे हैं? हम निकालते हैं 1/RP। RP मतलब पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम पैरेलल में इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, और इससे जो वैल्यू आती है टोटल रेजिस्टेंस की वो बहुत मिनिमम होती है। जबकि हम सीरीज की बात करें तो उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे सीरीज सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे कि सीरीज सर्किट के अंदर अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किसी वजह से बंद हो जाता है किसी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी के जो भी उस सर्किट से जुड़े होंगे सीरीज के अंदर वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि करंट सेम रहता है, अगर एक ने भी अपनी जान गंवा दी तो बाकी के जान दे देंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सीरीज सर्किट के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास सिंगल सिर्फ एक ही स्विच होता है, जिसकी वजह से दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ और ऑन सेपरेटली अलग अलग। इस वजह से उनको, अगर मैं चाहूँ एक सीरीज सर्किट का अंदर मेरा बल्ब, फैन, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ सिर्फ फैन को बंद करना, तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि सबका एक ही सिंगल स्विच होता है। और अगर मैं बात करूँ सीरीज के अंदर अप्लायंसेस यानी जो भी कॉम्पोनेंट होते हैं, चाहे फ्रिज ले लीजिए, फैन ले लीजिए, जो भी है, वो डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि जिससे वो कनेक्टेड होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना, उसमें वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस वो ले रहा हो बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट, अगर तीन पोटेंशियल डिफरेंस लगे हुए, तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है और एक बल्ब ले लिया मैंने। ठीक है, हो सकता है जो टोस्टर है वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ले रहा हो और जो फैन है वो सबसे कम वैल्यू ले रहा हो। तो इससे होगा क्या कि जो स्पीड में फ़र्क आएगा ना, फैन जो है बहुत मरमरा के चल रहा होगा क्योंकि उसकी वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई कि जो भी अप्लायंसेस सर्किट सीरीज में होते हैं, सीरीज सर्किट में, ठीक है, उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, और सीरीज कनेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ओवरऑल उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होगा पावर सप्लाई में वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे खामियां थी, ठीक है, डिसएडवांटेजेस थे सीरीज सर्किट्स के। ठीक है, अब हम फ़ायदा देखेंगे, क्योंकि हम सीरीज सर्किट को ज़्यादातर घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और उनका इस्तेमाल जैसे आप देखोगे फेरी लाइट्स जो होती हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया, जिसमें एक ही टाइम में बहुत सारे बल्ब लगा दिए जाते हैं, और ठीक है, तो अगर एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे बाकी के बल्ब जो हैं बंद हो जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे फायदा देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा क्या है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट के अंदर अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्किंग करना बंद कर दे तो बाकी के जो हैं वो काम करते रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ घर के अंदर मैंने अगर पंखा बंद कर दिया तो बल्ब जो है जलता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सबको जो पावर सप्लाई है वो सेम मिली हुई है। ठीक है, इसी वजह से। और करंट की वैल्यू जो है अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग होती है। सीरीज सर्किट के अंदर हर एक जो अप्लायंसेज होता है उसका खुद का, सॉरी सीरीज नहीं होगा, यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पैरेलल आएगा। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट के अंदर ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज उनका अपना स्विच होता है जिसकी वजह से उनको सेपरेटली टर्न ऑन किया जा सकता है, ऑफ भी किया जा सकता है। और पैरेलल सर्किट के अंदर, ठीक है, हर एक अप्लायंसेज जो होता है उनको सेम वोल्टेज मिलता है जैसा कि पावर सप्लाई से आ रहा होगा। ठीक है, तो वो स्टिल वर्क करते रहते हैं और सबको बराबर बराबर मिला होगा तो सब एक नॉर्मल तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है, और ये क्या लिखा मैंने बार बार, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से जो करंट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब करंट ज़्यादा मिलेगा तो वही क्या होगा, अब पंखा भी हमारा तेज चलेगा। ठीक है, नॉर्मल जिसे हम चाहते हैं चलाना। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, हमने फ़ायदे की बात करी और डिफरेंसेस क्या होती हैं वो बात करी। ठीक है, और इसका आपको देखना है कि सर्किट डायग्राम सीरीज में कुछ इस तरीके से होता है, पैरेलल में जो डायग्राम होता है सर्किट का वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, और सारी टॉपिक को, सारी सवालों को आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, मेरी बातें अगर समझ में आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इफ़ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my videos and please do not forget to subscribe my channel.